ओम काली जय महादेव। आज का जो हमारा प्रश्न है वो गोविंद जी अशोक नगर दिल्ली से पूछ रहे हैं। गुरुजी, क्या हम ईश्वर प्रेमी बने या ईश्वर से डर कर रहे हैं? शुड वी बी गॉड लविंग और गॉड फियरिंग? ये जो ईश्वर से हमें डराने का जो सिलसिला है वो अगर देखा जाए तो हमारे बचपन से ही चलने लग जाता है। हमें डराया जाता है कि झूठ मत बोलो, भगवान नाराज हो जाएंगे, बड़ों का आदर करो नहीं तो भगवान आपको सजा देंगे। तो ये जरूर है कि ये सब हमारे से इसलिए डराया जाता है कि हम अच्छे संस्कार हमारे अंदर आ जाएं, हम बुरे काम ना करें। लेकिन सोचने की ये बात है कि क्या डराना जरूरी है? हम ये भी तो कह सकते हैं कि झूठ मत बोलो, सच बोलो तो भगवान तुमसे खुश हो जाएंगे, बड़ों का आदर करो तो भगवान तुमसे खुश हो जाएंगे। और जो आगे चल के हमारे जीवन में क्या होता है कि ये जो डराने का सिलसिला है वो जो धर्म के जो व्यापारी हैं जिन्होंने धर्म से पैसा कमाना है वो शुरू कर देते हैं। हमें बोला जाएगा माँ काली की पूजा मत करो, वो तो बड़े गुस्से वाली देवी हैं, थोड़ी सी भी गलती करोगे तो मैं तुम्हें शराब दे देंगी। अरे इतनी बड़ी देवी हैं, वो तो पराशक्ति हैं, आदिशक्ति हैं, वो तो पूरी सौम्य का रूप हैं, वो तो क्षमाशीलता का रूप हैं, वो भला कोई शराब देने के लिए थोड़ी बैठी हैं। अगर पूजा में कोई गलती भी हो जाए गई उनके बच्चों से तो वो तो बच्चों को क्षमा कर देंगी। उनका जो रौद्र रूप है वो तो असुरों के लिए है, हम बच्चों के लिए थोड़ी है। हमें बोला जाएगा कि घर में कोई मृत्यु हो गई है, कोई मर गया है तो 13 दिन तक पूजा बंद कर दो। क्यों क्यों बंद कर दे? खाना हम खा रहे हैं, बातें हम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो भगवान से किस बात की लड़ाई? जब मन में दुख है, थोड़े टाइम के लिए पूजा नहीं हो पाती है तो मत करिए। लेकिन कोई और क्यों हमें बताए कि हमें कब पूजा करनी है और कब नहीं करनी है? ये तो हमारा और प्रभु का आपस का संबंध है। और हमें बोला जाएगा कि शिव भगवान को तुलसी मत अर्पण करो, वो नाराज हो जाएंगे। तुलसी जो है वो तो कृष्ण जी को अर्पण करनी है। अरे आप कब बंद करोगे भगवान को बांटना? कृष्ण और कोई शिव अलग हैं, वो तो एक ही हैं, उन्होंने ही तुलसी बनाई है, उनको आप तुलसी अर्पण करो, उनको कुछ भी करो, जो आप भाव से करोगे वो स्वीकार करेंगे। तो ये जो डराने का सिलसिला हमें बंद कर देना चाहिए। हमारे माता पिता हैं, हम क्या उनसे डरते हैं? हम कोई गलती इसलिए नहीं करते कि कहीं हमारे माता पिता हमसे नाराज ना हो जाए। इसका डर होता है कि उनका प्यार हमारे लिए कम नहीं हो जाए। तो जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जो पराशक्ति आदिशक्ति परमेश्वर ही हैं, वो जो हमारे माता पिता हैं वो तो हमें इतना प्यार करते हैं कि वो तो हमारी किसी बात का भी बुरा नहीं मानते हैं। वो तो हर गलती के लिए हमें क्षमा करने के लिए तैयार हैं। केवल हम अपने हृदय में उनको बसा लें, पूरे हृदय से उनको प्यार करें जैसे हनुमान जी ने करके दिखाया। तो ईश्वर से हमें डरना नहीं है, प्यार करना है। और ये बात जब मैं अपने एक शिव कालीबोध में एक आते हैं भक्त उनको बताया तो उन्होंने क्या किया कि उनसी की एक बड़ी बुरी आदत थी धूम्रपान करने की, वो छोड़ नहीं पा रहे थे। शिव कालीबोध शुद्धिकरण प्रणाली को अनुसरण करने से वो थोड़ा कम तो हो गई लेकिन छूट नहीं रही थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि रात को उन्होंने पूजा के बाद माँ काली के चरणों पर हाथ रखा और उनसे बोला कि माँ मैं आज के बाद धूम्रपान नहीं करूँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और फिर उसके बाद जब भी उनका धूम्रपान का मन किया वो ऐसा बताते हैं कि उनको ऐसा लगा कि माँ उनके सामने आके खड़ी हो गई है। उनको फिर लगा कि मैंने माँ को प्रॉमिस किया है, मैं माँ को दुखी नहीं कर सकता, कहीं माँ का प्यार मेरे लिए कम नहीं हो जाए, और उन्होंने धूम्रपान करना छोड़ दिया। तो यही संबंध रखना हमने ईश्वर से, प्यार का संबंध रखना है। ईश्वर का प्यार कम ना हो जाए उसके लिए हम अच्छे अच्छे काम करें, हम गलत काम छोड़ दें। आप सबको मेरा ओम काली।